ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 81 प्रस्ताव पर मुहर लगी। केशव महतो कमलेश को झारखंड राज्य समन्वय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। सरकारी स्कूल में 9 से 12 के बच्चों के लिए स्कूल डायरी के मुद्रण की स्वीकृति मिली है। रिम्स में सिटी स्कैन की मशीन की खरीद के लिए नियम शिथिल करने की स्वीकृति मिली है। झारखंड सतही नियमावली 2024 की स्वीकृति मिली है और कोर कैपिटल एरिया में एमएलए के आवास के लिए 399 करोड़ को हरी झंडी दी गई है। उग्रवादी हिंसा में मृत्यु के दौरान सैप कर्मियों के परिजनों को सरकारी सेवा उपलब्ध करवाने की स्वीकृति मिली है। हजारीबाग में कोनार सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। 2024-25 में राज्यों के 13 मध्य विद्यालय को माध्यमिक उच्च विद्यालय में परिवर्तित करने की स्वीकृति मिली है। चतरा में 10.93 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 43 करोड़ की स्वीकृति मिली है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और सदर अस्पताल में MRI मशीन की खरीद के लिए 1 अरब की स्वीकृति दी गई है। झारखंड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति भी मिली है। सिमडेगा में 15.99 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 63 करोड़ की स्वीकृति मिली है। बोकारो के चंद्रपुरा में 36.29 किलोमीटर सड़क के लिए 46.53 करोड़ की स्वीकृति। धनबाद के GT रोड में सड़क निर्माण के लिए 74 करोड़ की स्वीकृति। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में संशोधन की स्वीकृति। विधानसभा चुनाव 2024 के संचालन के लिए 48 करोड़ की राशि की अग्रिम स्वीकृति और झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था संधारण के लिए 144 करोड़ की स्वीकृति मिली है। मुसाबनी में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण की स्वीकृति। देवघर जिले के मारगू मुंडा में डिग्री कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति मिली। परिषद की बैठक में कुल 81 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से, राज्य के सरकारी भवनों, कार्यालयों, न्याय मंडलों एवं केंद्रीय उपक्रमों कार्यालयों में ट्रांसफॉर्मर अधिष्ठापित करने हेतु देय ऊर्जा सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि को वेव ऑफ करने की प्रशासनिक स्वीकृति। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से, स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त राजकीय पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर में नए भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राकलित राशि 76,35,73,000 मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति। हरियाणा में कांग्रेस को